क्या आपने कभी तरबूज खाते हुए ये सोचा है कि कैसे एक फल ने इसराइली हुक्काम की नींदें उड़ाई हुई हैं? जी हाँ, ये तरबूज ही तो है जो कि फलस्तीनी इलाकों में ना सिर्फ खुराक की अहम जरूरत को पूरा करता है बल्कि उनकी तवील मुजाहमत का इस्तियारा भी है। ये किस्सा शुरू होता है 1967 में, जब 6 दिन की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल गजा, मगरबी किनारे और यरूशलम के फलस्तीनी इलाकों पर काबिज हो जाता है और मुकामी आबादी पर फलस्तीनी झंडों को लहराने या उनमें इस्तेमाल होने वाले रंगों की किसी भी किस्म की तस्वीर कशी पर पाबंदी लगा देता है। मगर ये पाबंदी सर फिरे फलस्तीनियों के हौसलों को दबा न सकी और उन्होंने कटे हुए तरबूज, जिसमें उनके झंडे से मुतशाबिहा काला, सफेद, हरा और लाल रंग होता है, को अपनी मुजाहमत के निशान के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर उस वक्त तक भी ये बहुत महदूद पैमाने पर हो रहा था और कहानी में असल ट्विस्ट उस वक्त आया जब 1980 में फलस्तीनी आर्टिस्ट सलेमान मंसूर और दीगर फनकारों की पेंटिंग्स इसराइली हुक्काम अपने कब्जे में लेते हैं और उन्हें रमल्ला के पुलिस स्टेशन तलब किया जाता है, जहां उन्हें इस बात पर पाबंद किया जाता है कि वो कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनाएंगे जो किसी भी किस्म के फलस्तीनी मुजाहमत को उजागर करे। इसराइली अफसर मंसूर को कहता है कि उसको अपनी पेंटिंग की नुमाइश से पहले उसकी इजाजत इसराइली हुक्काम से लेनी पड़ेगी, जिस पर आर्टिस्ट पूछता है, तो क्या मैं फलस्तीनी झंडे के रंग का फूल भी नहीं बना सकता? ऑफिसर कहता है कि यही नहीं बल्कि अगर तुमने तरबूज की तस्वीर भी बनाई तो वो भी अहकामात की खिलाफ वर्जी तस्वीर होगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइली अफसर की ये बात उन फनकारों के लिए सोच का नया दर खोल देती है और फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई तहरीक, जिसमें फलस्तीनी कटे हुए तरबूज को अपनी पेंटिंग्स और झंडों के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये मुहिम इस कदर कारगर साबित होती है कि इसराइली हुक्काम उन फलस्तीनी बच्चों तक को गिरफ्तार कर लेते हैं जो तरबूज को लेकर कहीं जा रहे हैं। मगर इस तमाम जबर के बावजूद फलस्तीनी अवाम इस जिद्दोजहद से बाज नहीं आए और आज पूरी दुनिया जब भी तरबूज खरीदेगी या खाएगी तो ये उनको उस फलस्तीनी मुजाहमत की याद दिलाएगी जो उन्होंने इसराइली जबर के आगे पेश किया था और अब तक कर रहे हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।